मुंबई में सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक सिद्धिविनायक मंदिर, जहां गणेश भगवान की पूजा की जाती है, मूल रूप से सन 1801 में बनाया गया था। वर्तमान भवन परिसर का निर्माण 1993 में पूरा हुआ। यह एक जागृत गणेश मंदिर है और गणेश जी की मूर्ति सोने के सिंहासन पर विराजमान है। 1990 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे पुनर्निर्मित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए पर्यटकों के प्रवाह को नियंत्रित करने के निर्णय के बाद सिद्धिविनायक मंदिर में व्यापक परिवर्तन आए। दर्शन हो या कोई पूजा विधि की बुकिंग, यहां सब कुछ अनुशासन के अनुसार चलता है। सिद्धिविनायक मंदिर श्री सिद्धिविनायक गणपति बाप्पा को समर्पित है। मुंबई और महाराष्ट्र में गणपति जी को प्यार से बाप्पा कहकर बुलाते हैं। सिद्धि विनायक का शाब्दिक अर्थ है सफलता के दाता। आमतौर पे गणेश जी की दर्शन 30 मिनट से 1 घंटे के बीच हो जाता है, लेकिन अगर दिन चतुर्थी व्रत का हो या संकष्टी चतुर्थी हो या मंगलवार हो, गणपति जी की एक झलक पाने के लिए लगभग 2,00,000 लोग कतार में खड़े होते हैं और दर्शन पूरा करने में 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर एक 6 मंजिला इमारत है जिसके शीर्ष पर एक गुंबद है। यह प्रमुख गुंबद सोने से मढ़ा हुआ है और मंदिर के आकर्षण को बढ़ाता है। इमारत मुख्य रूप से संगमरमर और गुलाबी ग्रेनाइट से बनी है, जबकि परिसर में कई गुंबद सोने या 5 धातुओं के संयोजन से बने हैं। मंदिर के 3 प्रवेश द्वार हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल में ही श्री सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति आंतरिक गर्भगृह में सोने के एक भव्य सिंहासन पर विराजमान है। उनके दोनों ओर हिंदू देवी रिद्धि और सिद्धि की मूर्तियां हैं। इस मंदिर की स्थापना सबसे पहले 1801 में देवबाई पाटिल नामक एक धनी महिला के आदेश पर की गई थी और उसी वर्ष 19 नवंबर को इसे पूजा के लिए खोल दिया गया था। उस वक्त इस मंदिर की संरचना काफी छोटी थी। मूर्ति अभी भी वही अखंड मूर्ति है जो काले पत्थर से बनाई गई है। हालांकि आज इसे चमकदार नारंगी रंग के सिंदूर में चित्रित किया गया है, जिसमें इसके कुछ तत्वों पर सोना चढ़ाया गया है। परिसर के अंदर एक काले रंग का दीपक स्तंभ है, जहां त्योहारों के दौरान हजारों दीपक जलाए जाते हैं। इसके ठीक पीछे गौरवशाली आकर्षण बिखेरता हनुमान मंदिर है, जहां दर्शन लिए बिना कोई नहीं जाता। इस हनुमान मंदिर तक मुख दर्शन लाइन से भी पहुंचा जा सकता है। सिद्धि विनायक मंदिर के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। मंदिर 6 मंजिल ऊंचा होने के बावजूद गणेश जी की मूर्ति केवल 2 फीट चौड़ी और 2 फीट 6 इंच ऊंची है। यह एक दुर्लभ गणेश जी है जिसकी सूंड दाई ओर है, अधिकांश अन्य मूर्तियों के विपरीत जिनकी सूंड बाई ओर होती है। मंदिर के शिखर का वजन 1500 किलोग्राम है। जैसे ही आप मुख्य मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं, वहां प्रसाद वितरण केंद्र है, जहां आप स्वादिष्ट प्रसाद का आनंद ले सकते हैं और तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। आमतौर पर प्रसाद बूंदी के लड्डू के रूप में होता है, लेकिन अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको नारियल बर्फी का प्रसाद भी मिल सकता है। कुछ भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर प्रसाद वितरित करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर में पेड़ा, रेवड़ी और मोदक कुछ लोकप्रिय प्रसाद हैं, जिन्हें भक्त वितरित करना पसंद करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर का पूरा क्षेत्र शांत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और आकर्षक है। यदि आप मुंबई जाते हैं तो आपको सिद्धि विनायक गणेश जी से आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। मुंबई के दादर पश्चिम में बसे इस मंदिर में सचमुच कुछ खास है। आम आदमी हो, मशहूर उद्योगपति हो या लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता, सिद्धि विनायक गणेश जी के दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सब यहाँ आते हैं। यहाँ सिद्धि विनायक गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः।